अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये चार पांच लोग हमारे पीछे खड़े हैं जो कि टैक्सी का वेट कर रहे हैं हम लोग हरम जाने के लिए, क्योंकि हरम यहाँ से थोड़ा सा दूर ही है, तकरीबन मेरे ख्याल से 2-3 किलोमीटर है, क्योंकि हम लोगों का जो अकोमोडेशन है वो पहले नज़दीक था हरम के, बिल्कुल पास में था, और अब थोड़ा सा दूर हो चुका है, तो इस वजह से हम लोगों को टैक्सी से जाना होता है हरम। तो हम लोग अभी वेट कर रहे हैं, रात के बज रहे हैं 2। और एक तो ये है कि हम लोगों को ईदुलफ़ितर की भी नमाज़ वहीं अदा करनी है, इंशाल्लाह 6 बजे नमाज़ है, तो 4-5 घंटे पहले जाना होता है, क्योंकि जगह नहीं मिलती है ना, फिर तो इशू हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाए थोड़ा बहुत, देखते हैं अगर जल्दी अगर मिल जाती है जगह तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मस्जिद नबी के सहन में हम लोग इंशाल्लाह नमाज़ अदा करेंगे आज। तो अभी रास्ते में है, टैक्सी का वेट कर रहे हैं हम लोग, और एक आइए देखते हैं क्या कह रहा है, बात हो रही है अभी, तैयार होता है जाने को कि नहीं, बात उससे कुछ ज़्यादा ही कह रहा है वो, क्योंकि हम 4-5 लोग हैं, तो 20 रियाल बनता है यहाँ से मैक्सिमम 20 रियाल, लेकिन ये लोग 40 रियाल और 50 रियाल की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है ये लोग तैयार होकर आए फुल और नमाज़ पढ़ने जाना है इनको, तो ये देंगे। तो फिर भी वेट करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कोई अल्लाह का बंदा आता हो तो इंशाल्लाह हम लोगों को भी टैक्सी मिल जाएगी अच्छी। और ये देखें, ये रोड है, मेन रोड बिल्कुल, और यहाँ से हम लोग टैक्सी लेकर कहीं भी जाना होता है तो हम लोग यहीं से टैक्सी लेते हैं, और यहाँ से लेकर फिर हम लोगों को अपनी मंजिल जहाँ जहाँ जाना है उस मंजिल तक हम लोग जाते हैं। तो अभी स्टिल वेटिंग, वी आर वेटिंग फॉर टैक्सी स्टिल, सो दुआ करें कि हम लोगों को टैक्सी मिल जाए अच्छे से एक, और सही टाइम पर सही वक्त पर हम लोग हरम पहुँच जाएँ, मस्जिद नबी पहुँच जाएँ नमाज़ के लिए। तो अभी है 4-5 घंटा टाइम है, 1.5 के आसपास हो रहा है, तो अभी 4 घंटा है, अगर 2 बजे होंगे तो 4 घंटे का टाइम है, और अगर 1.5 बजे रहा है तो फिर 4.5 घंटे का टाइम है अभी हम लोगों के पास। एक बड़ी गाड़ी आई है, देखता हूँ उससे, ये बात चल रही है अभी, ये भी शायद ज़्यादा डिमांड कर रहा है। पहुँच गए हम लोग बिल्कुल सामने, मीनार दिख रहे हैं आप लोगों को, और ये मार्केट का नज़ारा देखें, काफ़ी चहल पहल है और काफ़ी ज़्यादा भीड़ है आज, माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, काफ़ी ज़्यादा, माइक की आवाज़ आ रही होगी, लोग माइक से बोल रहे हैं 5 रियाल 5 रियाल 5 रियाल 5 रियाल 2 रियाल, हर माल सस्ता 2 रियाल, ऐसी आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को। तो पहुँच गए अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग, और अभी चल रहे हैं हरम में, देखते हैं क्या पोजिशन है अंदर। सबको ईद मुबारक, साजिद भाई की तरफ से सबको ईद मुबारक है। ये खुश नहीं लग रहा है क्या तू आज ईद के दिन में? भाई खुश हो जा भाई, क्योंकि जानवाज लेकर आना हो हम लोगों को, इसलिए है ना, क्योंकि हम लोग लेट निकले हैं रूम से, और गाड़ी भी काफ़ी लेट के बाद मिली है, कुछ इंतज़ार करने के बाद हम लोगों को मिली टैक्सी की। तो देखिए, दिखाता हूँ मैं, ये देखें कितनी तादाद है लोगों की, और अभी 2 बज रहा है ना साजिद, 2 बज रहा है, अभी 4 घंटा वक्त है ईद की नमाज़ में, 4 घंटा अभी टाइम है ईद की नमाज़ में, पहले फजर की नमाज़ होगी, फजर की नमाज़ के बाद 6 बजे नमाज है ईद उल फितर की मस्जिद नबी में। तो अभी से लोगों की आप हुजूम देख लें, कितना रश है माशाल्लाह, और बाकी अंदर देखते हैं जगह मिलती है हम लोगों को कि नहीं, चलेंगे पहले कोशिश तो करेंगे अंदर ही जाने का, चलता हूँ। ये वही गेट है जहाँ से हम लोग अक्सर आते हैं, 336 और 35-34 आसपास जो है ये गेट, जो मैंने बताया भी है किसी भी ब्लॉक में, मैंने बता दिया था इसमें, और सामने जो मस्जिद नबी की जो गेट है ना वो 20-21 है ये, तो यहीं से हम लोग अक्सर आते हैं, क्योंकि अब एकोमोडेशन हम लोगों का चेंज हो गया तो हम लोगों को इस तरफ से आना होता है, पीछे के साइड से, सॉरी मेन गेट से आना होता है, वो पीछे का बैक साइड जो 365 था ना पहले, वो बैक साइड है उसका, ये फ्रंट है, तो हम लोगों को हमेशा यहीं से आना होता है, अब 3 महीने से हम लोग यहीं से आ रहे हैं। बाकी ये देख लें, चारों तरफ से दिखा देता हूँ लोगों को, ये देखें यहाँ पर जायनमाज को रेडी करके रखा गया है, ताकि अगर अंदर फुल हो जाए तो यहाँ पे बिछा कर लोग यहाँ पे नमाज़ पढ़ सकते हैं।
तो अभी जगह मिल जाएगी हम लोगों को जहाँ तक उम्मीद है मुझे, क्योंकि ये अभी बिल्कुल पैक है, जाने वाला खुला नहीं है एक भी। चलते हैं। तहे दिल से आप सभी को एक बार फिर से ईद मुबारक, ईद की खूब सारी मुबारकबाद आप लोगों को। अल्लाह ताला रमज़ान में जितने भी आप लोगों ने इबादत किया है उसे कबूल मकबूल फरमाए और सबके गुनाहों को बख्श दे अल्लाह ताला। यही दुआ है अल्लाह से, आप लोग भी दुआ करें अल्हम्दुलिल्लाह कि सबकी मगफरत हो। जितने भी उम्मत मुसलमा हैं अल्लाह ताला सब पे अपनी रहमत और रहम और करम फरमाए। आवाज़ आ रही होगी जहमा की, जहमा का मतलब हमारे कादिर भाई ब्लॉगिंग करते हुए गमछा लपेट कर आए हैं आज। और ये इस तरफ से लोग एक कतार में मस्जिद नबी की तरफ जाते हुए आप लोगों को दिख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये अरे हो गया, ईद की मुबारकबाद देते हैं एक, अभी पीछे मैंने वो नहीं लिया, एक दूसरे से गले लग के ईद की मुबारकबाद दे रहे थे लोग आपस में। क्या नज़ारा है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का यार। अल्लाह ताला आप सबके नसीब में ये मस्जिद नबी की ज़्यारा और बैतुल्लाह की ज़्यारा लिख ले। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम लोगों को अंदर एंट्री मिल जाएगी क्योंकि गेट खुला हुआ है। चलते हैं इंशाल्लाह। ये ग्रुप की फोटो लेते हुए अभी गेट खुला हुआ है, अंदर जाने दे रहे हैं, मिल जाएगी जगह इंशाल्लाह हम लोगों को। गेट नंबर 333 से दाखिल हो रहे हैं हम लोग अभी, और सामने गेट नंबर 21 22 21 22, तो यहीं से एंटर करना है हम लोगों को इंशाल्लाह। अभी मैं हमाम से आ रहा हूँ वजू करके, काफ़ी भीड़ है यार, बहुत ज़्यादा भीड़ है हमाम के अंदर। और अभी मस्जिद के अंदर मतलब जाने के लिए ये वाला गेट बंद हो चुका है, गेट नंबर 23, उस गेट से जाने का देखता हूँ। क्योंकि वैसे तो हम लोगों ने सहन में ले लिया है जगह अपने लिए, लेकिन अंदर जाके मैं दिखा रहा हूँ कि रश कितना है आज। मैं रश के लिए जा रहा हूँ सिर्फ वीडियो के लिए कि रश देखें कितना है। ये देखें गेट नंबर 22 और लोग 21 है, और यहाँ पे देखें रश कितना है, लोगों का रश कितना है। अब ये देखें तादाद कितनी है। बस मैं वीडियो के लिए जा रहा हूँ अंदर, वीडियो बनाने का उसके बाद। मुझे नहीं लगता अंदर जाने के बाद मैं वापस आ पाऊँगा यार, काफ़ी भीड़ है अंदर, काफ़ी भीड़ है। अंदर जाना कैंसिल, क्योंकि मैं अंदर चला जाऊंगा तो फिर वापस नहीं आ पाऊंगा। तो मैं दिखा देता हूं आपको कि मैंने जगह कहां पे ली। अभी लोगों की ना हुजूम वो भी आ रही है, तादाद और ज़्यादा बढ़ रही है लोगों की। तो मैं जगह दिखा देता हूं, ये सहन में वहाँ जगह है, पुलिस वाला मुझे भी अंदर नहीं आने दे रहा था, इतनी भीड़ है यार, इतनी भीड़ है कुछ नहीं कहा जा सकता। ये जगह है हम लोगों की यहाँ पे। चाचा चलो पिछले साल से ज़्यादा इस साल भीड़ है, रश है, बहुत ज़्यादा भीड़ है इस बार। एक बार आप अंदर चले गए ना मस्जिद के अंदर, वापस आने का रास्ता नहीं मिलेगा आपको, चाहे कोई भी दिक्कत परेशानी हो आपको अंदर ही नमाज़ पढ़नी पड़ेगी। इसलिए हम लोगों ने आज सहन में जगह ले लिया था कि कोई ऐसे कोई इशू हो, कभी बैतुल खला जाना हो, टॉयलेट जाना हो तो आराम से जा सकते हैं, यहाँ से कोई इशू नहीं होगा। तो ये जगह है, बाकी ये भी देख लिया आप सहन में बिल्कुल फुल हो चुका है, अभी भी लोग आ रहे हैं धीरे धीरे। ये जगह है हम लोगों की, यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं।
चैनल को बोलो सब्सक्राइब करने के लिए। सब्सक्राइब टू आतिफ अशफाक चैनल, ठीक है, और सबको ईद मुबारक। भाई ये बहुत सोच के बोलता है ना, सब्सक्राइब करो आतिफ अशफाक चैनल, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और सभी को साजिद की तरफ से ईद मुबारक आप लोगों को। 2023 का रमज़ान कैसे ख़त्म हुआ कुछ पता नहीं चला यार, एक हफ्ते ऐसा लगा कि एक हफ्ते में ख़त्म हो गया। अल्लाह ताला आप सभी के रोज़ा को कबूल करें, और जितने भी आप लोगों ने इबादत की है रमज़ान के अंदर, अल्लाह ताला सब इबादत को कबूल करें। ये हम लोगों की खुश नसीबी है कि ये दूसरा रमज़ान, दूसरी ईद है जो हम लोग मदीने में आज मस्जिद नबी में अदा करेंगे इंशाअल्लाह। और अभी काफ़ी वक्त है, 4 घंटे के आसपास का टाइम अभी रह रहा है बाकी नमाज के लिए। 3:10 हो रहे हैं, मैं रिपोर्टिंग नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, भीड़ देखे। और जो सिक्योरिटी वाले हैं बेचारे कितने परेशान चल रहे हैं, अभी इनकी परेशानियों का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितने परेशान हैं ये लोग बेचारे, क्योंकि उनको संभालना है, मोर्चा संभालना है आज ईद की नमाज को। और ये देखिए ना भीड़, और वहाँ पे देखें लोगों का हुजूम। तीन बज के 20 मिनट होगा, गेट नंबर 22-21 उसके सहन में बैठे हुए हैं हम लोग बिल्कुल। ये देखें भाई मस्जिद अंदर पूरी फुल हो चुकी है, ये देखें मस्जिद अंदर की साइड पूरी फुल हो चुकी है, और ये लोग गेट पे बैठे हुए हैं यहाँ पे, और कुछ लोग गेट पे खड़े हैं लेकिन ये सिक्योरिटी वाले उनको अंदर जाने नहीं दे रहे क्योंकि अंदर बिल्कुल फुल हो चुकी है। उधर देखें, ये जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको ताकि दिख जाए क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर। ये लाइट की वजह से दिख नहीं रही है यार, उस पर लिखा हुआ है कंप्लीटेड, कैसे दिखेगा वो। सॉरी सिस्टर एंड ब्रदर्स, ये आप देख लें, वैसे वो दिखेगा ना क्योंकि उसमें लाइट जल रही है ना, इस वजह से नहीं दिखेगा। ऑल ओपन टू मी द डोर्स ऑफ योर मर्सी, उस पर लिखा हुआ ओ अल्लाह प्लीज, ओ अल्लाह, हर 3 लैंग्वेज में लिखा हुआ है, उर्दू एंड अरबिक। ए अल्लाह तू मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे, गेट के ऊपर लिखा हुआ है। और एक अपना फिलिपिनी जवान, उस पर लिखा हुआ था फिलिपिनी, तीन लिखा होता है। अब देखिए तो यही है कुछ नज़ारा, आप देख लें मस्जिद नबी का जो कि फुल हो चुकी है अभी नमाज के लिए। और ये वाली जो लाइन है इसमें कुछ लोग सो रहे हैं, ये लाइन हमारी है, ये हमारा मसल्ला है और वो मसल्ला हमारा है, और ये लोग साथ में बैठे हुए हैं यहाँ पे, वहाँ पे भीड़ लगी हुई है, चारों तरफ भीड़ है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तहज्जुद के लिए आसान हो गई है, लोगों ने तहज्जुद अदा कर लिया, अब सीधा फजर की अजान हो गई इंशाल्लाह, फिर हम लोग फजर की नमाज अदा करेंगे इंशाल्लाह। फजर हो गई भाई, अश
ईद की तकबीर स्टार्ट हो जाएगी फिर, तो वो तकबीर मैं आप लोगों को सुनाऊंगा इंशाल्लाह। तो अभी देख लें सब लोग नमाज़ पढ़ के बैठे हुए हैं, फजर की नमाज़ से फारिग हो गए सब लोग। ये देखें ईद की तकबीर स्टार्ट हो गई है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। Yeah.
अब नमाज तक ये तकबीर, ईद की तकबीर माइक से आपको सुनने को मिलेगी। और लोग अभी मस्जिद से बाहर निकल रहे हैं फजर की नमाज पढ़ के, जिनको जाना है बाथरूम वगैरह वो लोग निकल रहे हैं वजू वगैरह करने के लिए, फ्रेश होने के लिए। और लेकिन ये जो निकल रहे हैं इनको वापस जाने नहीं दिया जाएगा, ये फिर बाहर ही नमाज पढ़ेंगे। तो अभी फौरन नमाज के बाद यहाँ पे खजूर और टॉफ़ी वगैरह तकसीम कर दिया गया है ताकि लोग खाकर सुन्नत पे अमल कर लें नमाज के लिए, क्योंकि लोग कोई 12 बजे से बैठे हुए हैं यहाँ पे, कोई 2 बजे से, हम खुद 2 बजे से आकर बैठे हुए हैं हम लोग को, तो ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे लोग तकसीम करते हैं, अभी हमारे पीछे तकसीम कर रहे थे। चलिए अब मिलता हूँ नमाज के बाद आप लोगों को इंशाल्लाह। तो ये तकबीर कहते हैं, ईद की तकबीर। मस्जिद की छत भी बिल्कुल फुल हो चुकी है, मस्जिद की छत भी भरी हुई है, ये बताना मैं भूल गया था आप लोगों को। इसके ऊपर भी काफ़ी रश हो चुका है मस्जिद के अंदर भी। और ये सारे मुअज्जिन एक एक करके ना तकबीर कहते हैं, ईद की तकबीर कहते हैं सारे मुअज्जिन, सब एक एक करके आगे तकबीर बोलेंगे माइक पे, सब बोलते रहेंगे कंटिन्यूसली। ये तकबीर बोली जाएगी ईद की नमाज तक, जब जमात खड़ी होगी ईद की नमाज तक। ईद की नमाज़ का वक्त हो गया है इंशाअल्लाह, अब नमाज़ अदा की जाएगी। 6:10 में नमाज है मस्जिद नबी में, तो टाइम हो चुका है और तकबीर भी अभी बंद है, तो अब जमात खड़ी हो जाएगी इंशाअल्लाह। लोग ऑलरेडी खड़े हो चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ईद की नमाज खत्म हो गई, अब खुतबा शुरू हो गया है। तो हम लोग जा रहे हैं अंदर, अंदर बैठ कर खुतबा सुनेंगे इंशाल्लाह। नमाज से हम लोग फारिग हो चुके हैं और अब चल रहे हैं घर की तरफ। वंस अगेन आप लोगों को सबको तय दिन से ईद की मुबारकबाद, और चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। चलते हैं।